भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। धर्मगुरु दलाई लामा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। दलाई लामा ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हम कोरोना के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का अंत देखें, जिसने विश्व के सभी देशों को बड़ा खतरा पैदा किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने उनके पत्र के जवाब में दलाई लामा का आभार व्यक्त किया। बता दें कि विधायक सुरेंद्र शौरी के संपर्क में आने के बाद मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अपने सरकारी आवास में होम आइसोलेट हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बाद कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए IGMC शिमला के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मारकंडे के पॉजिटिव पाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बता दें कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और 4 मंत्री अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ई विस्तारक योजना की शुरुआत करते हुए BJP ने पंचायत और निकाय चुनाव में जीत का दावा किया। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि BJP ने चुनावों की तैयारी आज से शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम सही काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। ई विस्तारक योजना का लाभ इन चुनावों में BJP को मिलेगा। बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स मामले को लेकर हिमाचल के एडवोकेट के लीगल नोटिस पर बॉलीवुड अभिनेत्री ने स्पष्टीकरण दिया है। उर्मिला मातोंडकर ने जवाब में कहा कि हिमाचल पवित्र और महान राज्य है। मेरा बयान सिर्फ समाज के असामाजिक तत्वों और ड्रग माफिया को लेकर था। हिमाचल के लोगों की भावनाओं को वे बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। याद रहे कि बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने ड्रग्स मामले में हिमाचल को नशे का गढ़ बताया था। इसी बात को लेकर अधिवक्ता विश्व चक्षु ने लीगल नोटिस भेजा था। त्योहारों और नवरात्रे के मद्देनजर बुधवार को HRTC की इंटरस्टेट बस सेवा शुरू हो गई। पहले चरण में 25 रूटों पर बसें चलाई गई। इनमें चंडीगढ़, पठानकोट, बद्दी, होशियारपुर, लुधियाना, अम्बाला और हरिद्वार प्रमुख हैं। बस सेवा शुरू होने के बाद से पर्यटक स्थलों पर भी काफी भीड़ नजर आने लगी है। हालांकि अभी तक दिल्ली के लिए बस सेवा बहाल नहीं हो पाई है। मांग लगातार चल रही है क्योंकि बहुत से हिमाचली अभी भी दिल्ली में कार्यरत हैं। बहरहाल इंटरस्टेट बसें शुरू होने से लोगों में भी उत्साह देखने को मिला और सरकार के इस फैसले को सही करार दिया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए कांगड़ा जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया है। DC कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के संदेश को आम जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। वहीं शिमला पुलिस ने भी कटआउट अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत मास्क पहने हुए पुलिस जवानों के कटआउट शहर में लगाए जाएंगे और लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का संदेश दिया जाएगा। फिल्म स्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने व्रजेश्वरी मंदिर में शीश नवाया। इस दौरान वे कांगड़ा में स्थित अक्षरकुंड मंदिर में गई। ये मंदिर विशेष रूप से मान्यता रखता है। सुनीता आहूजा ने अपने परिवार की मंगल कामना, सुख शांति के लिए कामना की। बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के सभी शक्तिपीठ मंदिरों में आना चाहती थी लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाई। यहाँ आकर विशेष ऊर्जा मिलती है। वहीं शूटिंग के लिए मनाली पहुंची शिल्पा शेट्टी ने भी हिमाचल की प्रकृति की खूब तारीफ की है। छात्र हित के मुद्दों को लेकर छात्र संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी कड़ी में ABBP ने आज शिमला और सुन्नी में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अभियान के तहत संघ ने प्रदेश के छात्रों और शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके उचित समाधान की मांग की है। छात्र संघ ने कहा कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगों को लेकर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आगामी दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 250 हो गया है। बुधवार शाम तक प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हुई। यह मौत मंडी में हुई है। शाम तक प्रदेश में कोरोना के 98 नए मामले सामने आए हैं जबकि आज 168 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 17,860 हो गया है। इनमें से 2,436 मामले एक्टिव हैं। प्रदेश में अब तक 15,153 लोग कोरोना को हराने में सफल रहे हैं। बच्ची को जन्म देने के 5 दिन बाद डमटाल के सैनिक अस्पताल में महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर सबको कब्जे में ले लिया है और जांच जारी है। महिला का पति ममून पठानकोट में लास्ट नायक के पद पर कार्यरत है। पुलिस इस दौरान पति से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं प्रदेश में आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में विभाग की ओर से जारी आत्महत्या के आंकड़े भी चौंकाने वाले थे लेकिन सरकार और विभाग की ओर से इनमें कमी लाने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे।